हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सांझी रसोई, बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस विद उपासना। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जीरा आलू की, क्यूमिन सीड्स पोटैटो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जीरे आलू की, क्यूमिन सीड्स पोटैटो। उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने रफली काट लिया है और पानी के अंदर डाल के रखे हैं। एक कुकर लिया है, कुकर के अंदर मैं घी डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं ये घी डाला है इसके अंदर। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। ये गरम हो गया है, इसमें मैंने जीरा डाला है, क्यूमिन सीड्स डाले हैं। आप की चाहे आलू कढ़ाई में बना सकते हैं। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, ये सेंधा नमक है, आप चाहे तो प्लेन नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर लाल मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसके अंदर देगी मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे कलर अच्छा आ जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है, आप चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं। पोटैटोज इसके अंदर डाल दूंगी, आलू को डाल दूंगी, पानी ड्रेन कर दिया है। और आप चाहें तो गैस का फ्लेम लो भी कर सकते हैं, इस टाइम पे मैंने हाई पे ही रखा हुआ है। ऐसे हम सारे आलू इसमें डाल देंगे। पानी डाल रहे हैं, पानी एक कप बराबर डाला है हमने, इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हम तरी वाले आलू नहीं बना रहे हैं, हम ये सूखे आलू बना रहे हैं। और इस पे हम अपना ये जो कवर है उसको कर देंगे और इसको दो विसल्स आने तक पकाएंगे। हाई पे हमने विसल्स देनी है, दो विसल्स। सो फ्रेंड्स, दो विसल्स आ चुकी हैं और ये कुकर मतलब ठंडा हो गया है। और विसल हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं, विसल्स निकल चुकी हैं, मतलब कोई प्रेशर नहीं है। विसल तो आ ही चुकी है, प्रेशर नहीं है कोई इसमें। और आप देख सकते हैं ये हमारे आलू बन गए हैं, रेडी हैं। सो अब हम इसको गार्निश करने के लिए ऊपर धनिया पत्ती डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और आप इसको दही के साथ खाइए, आप ऐसे भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं, परांठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। और हमारे चैनल सांझी रसोई, बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस विद उपासना, विद होस्ट उपासना। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। और देख और आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए। आप देख सकते हैं कितने यम्मी लग रहे हैं। आप बनाइए ऐसे और हमें बताइए कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।